अस्सलाम वालेकुम जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की सरपरस्ती में मैं मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज्वाइन करी क्योंकि मैं सोसाइटी और कौम के लिए काम करना चाह रही हूँ और मेरे से जितना हो सकता मैं मेहनत करूँगी इंशाल्लाह। हालात के हिसाब से हम सबको मुत्तहिद होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और अब तो 1 दिसंबर को GHMC इलेक्शंस भी है, तो मैं आवाम से अपील करती हूँ कि आप लोग मुत्तहिद होकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करिए क्योंकि मजलिस आपकी अपनी जमात है और वोट डालना आपका जमहूरी हक है, तो उस हक का सही इस्तेमाल करिए। इंशाल्लाह इस बार भी मजलिस कामयाब होगी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन से जीतना चाहिए और पूरे हिंदुस्तान में हैदराबाद से एक मैसेज जाना चाहिए कि हम सब एक है, हमें अपना हम सबको मुत्तहिद होकर हमारा इत्तेहाद दिखाना है पूरे हिंदुस्तान में। तो मैं सभी लेडीज़ से पूरी आवाम से सभी से अपील करती हूँ कि आप लोग सब घरों से निकलिए 1 दिसंबर को और ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालिए पतंग को और अपनी जमात को मज़बूत करिए। मैडम आप MIM पार्टी में आने का रीज़न? देखिए जो आजकल के हालात है, हम सबको MIM जो है सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं, आदिवासीज़ की भी है, दलित्स की भी है, माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट करते, तो हालात के हिसाब से माइनॉरिटीज़ को ना ही सिर्फ मुसलमान, दलित, आदिवासी सबको एक जगह होकर ये मैसेज देना ज़रूरी है हिंदुस्तान में कि हमारी भी आवाज़ जाए, हम हमारे हक़ के लिए हमें खुद आगे आना होगा। अभी आपकी MIM पार्टी है, अभी यहाँ से बिहार में भी काम कर रही है, UP में भी काम कर रही है, जी, तो उसके बारे में आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए जैसा हमारी पार्टी नेशनल लेवल पे जा रही है, आगे बढ़ रही है, तो हम सबको यही चाहिए कि हम मजलिस को दुआओं से नवाजे और यही ख्वाहिश करें कि मजलिस सिर्फ बिहार में, महाराष्ट्र में नहीं, हिंदुस्तान के हर स्टेट में कामयाब हो और हिंदुस्तान के हर स्टेट में मजलिस के रिप्रेजेंटेटिव्स हो। अभी पसंद KTR साहब का बयान आया जी कि वो अभी सिंगल लड़ रहे बोल के, अभी किसी कोई पार्टी से कुछ फ्रेंडशिप नहीं है बोल के वो बता रहे थे। देखिए ऑब्वियसली कि TRS अलग पार्टी है, MIM अलग पार्टी है, अब उन्होंने भी अगर यहाँ से कंटेस्ट कर रहे हैं मैदान में, जब आमना सामना हो रहा तो मुकाबला तो होंगे ही। अब ये बल्दिया इलेक्शन है GHMC का हैदराबाद से, तो उसके लिए आवाम को क्या बोलना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूँगी कि डेवलपमेंट के लिए, मजबूत करने के लिए, मुत्तहिद होने के लिए, इतिहाद बनाने के लिए हम सबको अब अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए, उसे वो अपने वोट के हक को ज़ाया नहीं करना चाहिए। आप ज़रूर निकल कर वोट करिए, जमात को मजबूत करिए।